इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 का एक सर्किट दी गई है, और इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता करने के लिए बोली गई है। तो अगर ये सर्किट आप ठीक से स्टडी कर लो, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी सर्किट आपको आती है एग्ज़ाम में, तो आप कैपेबल होगे उसे सॉल्व करने के, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैंने कंपोज कर दी है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, देन करंट निकालना है ऑन ए यहाँ पर, फिर पोटेंशियल ड्रॉप इन 4 एंड 6 एम्पियर, 4 एंड 6 एम्पियर पे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है। 4 और 6 कहाँ है, यहाँ 4 है और यहाँ 6 है, इन दोनों में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप भी यानी कि वोल्टेज भी निकालना है कि यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा या यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा। उसके बाद देखो क्या क्या निकालना है, रीडिंग ऑन ब्लैक एमीटर यानी जो वायर जो डिवाइड हुआ है यहाँ पर 6 एम्पियर के पास, सॉरी 6 ओम के पास कितना करंट आ रहा है, इस वायर में कितना करंट है ये हमें पता करना है। उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज पता करना है, टर्मिनल वोल्टेज मतलब इस सेल से जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 30 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट तो टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, ये तो प्रिंट में लिखा हुआ है बैटरी के 30 वोल्ट है, लेकिन चेक करोगे 30 वोल्ट नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ खाएगा वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज हमें निकालना है। उसके बाद पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल का मतलब यही हुआ कि टर्मिनल वोल्टेज ही हुआ अक्रॉस द सेल, सेल के अक्रॉस मतलब पोटेंशियल कि कितना आउटपुट आ रहा है वोल्टेज का, पोटेंशियल तो टर्मिनल वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल, क्योंकि यहाँ पर तो कहीं और देखो सेल से वायर दिखा करो यहाँ से यहाँ तक, ये होती है अक्रॉस द सेल, बीच में कहीं रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए इंटरनल के अलावा, ये इंटरनल है बस दिखाने के लिए बाहर बना हुआ है इंटरनल, ये मेंशन कर दिया मैंने कि इंटरनल है, ठीक है ना। तो टर्मिनल वोल्टेज की बात हो रही है। उसके बाद वोल्ट मीटर में भी कितना आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम अगर चेक करें 4 ओम्स में तो कितना वोल्टेज आ रहा है ये हमें पता करना है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्या क्या चीज़ें पता करनी है, पहले तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, ठीक है ना, और करंट भी पता करना है, ठीक है ना, और सारी चीज़ें। तो अगर बाई चांस, अब देखो इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें पूछ ली गई, तो आप सीरियल वाइज कर रहे हो, अगर सीधा पूछ लिया जाता कि करंट बताओ, क्या बताओ, करंट बताओ यहाँ पर इस वायर में कितना है, तो आपको वैसे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ता, वैसे भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ता, ठीक है ना। तो बाई चांस पहला वाला क्वेश्चन ना पूछे और आपको डायरेक्ट एमीटर करंट पूछ ले वायर में, तो आपको ओवरऑल आपको रेजिस्टेंस निकालना ही पड़ता, ठीक है ना, और एग्जाम में ऐसा ही होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का तो तरीका मुझे लगता है काफ़ी आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके होंगे, कि जितने भी रेजिस्टेंस हैं हमें क्या करना है, उसे जोड़ना है, ठीक है ना। तो जो जो सीरीज में उसको एक तरफ ले लें, ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनको भी एक यू नो सीरीज में बना दें, इनको भी किसमें बना दें, सीरीज में बना देंगे, जोड़ देंगे, उसके बाद सारे को प्लस कर देना। तो पहले इन दोनों का निकालना है अलग, क्या करेंगे, इन दोनों का वायर समझो कि एक हमने कर दिया, ऐसे करके डैश डैश करके बना लो, देख लो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ मैं साइड में चीज़ सॉल्व कर रहा हूँ, तो 1/RE, पहले मैं ये दोनों को एक कर देता हूँ, तो 1/6 प्लस 1/3, तो 2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 3/6 फिर 1/2 बोले 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, रेसिप्रोकल कर देना 2 आ जाएगा। अब ये इतना शॉर्ट में इसलिए कि सारी चीज़ें हो चुकी हैं, उतना बार बार डिटेल बताने की अब जरूरत नहीं है। तो इस यानी कि दोनों वायर को मैं अगर जोड़ूँ तो ये 2 ओम्स होगा, ठीक है ना, ओके सर, तो पहला वाला तो हो गया, ओके। फिर पूछा है कि एम्पेयर में यहाँ पर करंट बताओ, तो यहाँ पर करंट देख लो कि क्या तुम्हारा एम्पेयर मेन वायर पे ही पूछ रहा है, अगर मेन वायर पर पूछ रहा है तो सबसे आसान होता है पूरे सर्किट। अच्छा एक मिनट रुको रुको रुको, ये तो हमने सिर्फ इन दोनों का एक किया है, इक्विवेलेंट कहाँ निकाला है, ओवरऑल अभी नहीं निकाला है ना, टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाला है अभी, टोटल रेजिस्टेंस तो निकालने जो इन दोनों का एक किया था, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, चलो सबको प्लस करो, 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2, इतने है ना, इतने ही है, देख लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया 10 ओम्स हो गया, तो टोटल जो रेजिस्टेंस आ गया, तो हम समझ गए ना, इन पैरेलल को मैंने एक कर लिया, यानी कि कहीं ना कहीं सिंगल वायर में ले लिया, और सबको एक सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से
जोड़ दिया, ठीक है। चलिए तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 ओम पूरे सर्किट का आ गया, ठीक है। ओके तो अब हमें पता करना है करंट, पता करना है यहाँ पर ए बना हुआ है वहां पर, यानी इस लोकेशन के लिए पूछ रहा है कि यहाँ पे करंट कितना आ रहा है। तो ये देख लो क्या ये करंट मेन वायर से है कि वायर डिवाइडेड से है। अगर वायर सेल से निकला है वायर, वायर अगर डिवाइड नहीं है, अगर वायर डिवाइड नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्किट का हम वोल्टेज ले लेंगे, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ले लेंगे और करंट निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि करंट जो है मेन वायर पर है। अगर मेन वायर पर है, सर्किट के मेन वायर पर है, कहीं पर इसे डिवाइड नहीं हुआ है, तो अगर मेन वायर पर है, फिर से मैं बता रहा हूं, तो क्या करेंगे बोलो, अगर करंट मेन वायर पे निकालना है। क्वेश्चन नंबर टू मैं कर रहा हूं, देखो, इफ करंट यानी एम्पियर ऑन मेन वायर, ऑन मेन वायर, तो देखो मेन वायर आया, ये देखो ये बीच में सर रेजिस्टेंस आ गया, तो सीरीज में रेजिस्टेंस आने से करंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बीच में यानी सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रेजिस्टेंस एक नहीं 20 रेजिस्टेंस भी आ रहे हैं तो करंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वायर डिवाइड ना हो, तो कोई फर्क नहीं मेन वायर पे। अगर मेन वायर पर है तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस होना चाहिए, निकाल लिया हमने पूरे सर्किट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पास टोटल वोल्टेज होना चाहिए, टोटल वोल्टेज होना चाहिए मतलब ईएमएफ, ईएमएफ टोटल जो प्रिंट वाला है टोटल, ये होना चाहिए, तो हम आराम से करंट निकाल सकते हैं। तो करंट का फॉर्मूला क्या है भाई, हम लोग फॉर्मूला क्या याद करके चल रहे हैं, वीर याद करके चल रहे हैं, तो यानी करंट का क्या बनेगा, आई इक्वल टू आर नीचे आ जाएगा वी बाई आर। तो पूरे सर्किट का वी कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कितना हमने निकाला है पूरे सर्किट का, क्योंकि एम्पियर करंट हमें मेन वायर पर ढूंढना है, तो पूरे सर्किट का ही रेजिस्टेंस लेंगे, तो हमने 10 निकाला है पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10, तो यानी करंट जो आ गया वो 3 एम्पियर आ गया हमारा। लो ये भी आंसर आ गया, चलो अभी तक तो बहुत ईजी चल रहा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप बताओ 4 ओम और 6 ओम में, यानी यहाँ पर हमें बताना है वोल्टेज कितना है, यहाँ पर बताना है वोल्टेज कितना है 4 ओम पर। देखो ये मेन वायर ही है ना, देखो वायर आप इधर से ले लो, इधर से ले लो, डिवाइड होकर वापस एक हो गया, तो आप इधर से भी ले सकते हो, ये मेन वायर है, तो यहाँ पर बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बताओ अगर तुम्हें रेजिस्टेंस चाहिए तो तुम्हें वी और करंट मालूम होना चाहिए, सॉरी अगर तुम्हें वोल्टेज चाहिए तो तुम्हें रेजिस्टेंस और करंट मालूम होना चाहिए, तुम्हें कौन से रेजिस्टेंस पे पूछ रहा है, तुम्हें 4 ओम में पूछ रहा है, तुम्हें वोल्टेज जो पूछ रहा है कहाँ पर पूछ रहा है, 4 ओम से मैं पूछ रहा है ना, ठीक है। यानी कि तुम्हारे पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या दी गई है, 4 ओम दी हुई। इस वायर में करंट कितना है, इस वायर में करंट कितना है बोलो, इस वायर में करंट 3 एम्पियर है। देखो ना मेन वायर ही तो है, मेन वायर पर 3 एम्पियर निकाला था, यहाँ पर जरूर डिवाइड हुआ, वापस एक हो गया ना वायर, तो 3 करंट 3 ओम ही, तो आई तुम्हें दिया हुआ है 3 एम्पियर, नॉट ओम, 3 एम्पियर, तो निकाल लो वी कितना आ जाएगा, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, और आपका आंसर आ जाएगा 3 इंटू 4 12 वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ओके तो करंट हमें मेन मालूम था, हमें 4 ओम पे पता करना था कितना वोल्टेज है, तो तुम्हें रेजिस्टेंस मालूम था, तुम्हें करंट मालूम था, तुमने वी निकाल लिया, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके फिर देखो यहाँ, हाँ अब 6 ओम से पूछ रहा है, 6 ओम से पर भी पूछ रहा है कि बताओ कि पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर कितना है, 6 ओम के ऊपर कितना पोटेंशियल यानी वोल्टेज कितना है। ओके तो देखो कभी भी जब वायर डिवाइड हो जाए ना, तब थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है चीज़ों का, थोड़ा ध्यान रखना, हमें करंट के ऊपर भी ध्यान देना है, हमें वोल्टेज के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो हमें एक रूल मालूम होना चाहिए, एक रूल ये है कि अगर सीरीज है, क्या है सीरीज है, तो वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम रहता है, यानी कि दिया, देखो अगर सीरीज है तो करंट सेम रहता है, करंट क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, इसका मतलब वोल्टेज अलग हो जाएगा, हाँ। और अगर पैरेलल मतलब करंट वायर डिवाइड हो रहा है, वायर डिवाइड हो रहा है मतलब
करंट डिवाइड हो रहा है, यानी करंट डिफरेंट हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो सीरीज में करंट से मतलब वोल्टेज डिवाइड या वोल्टेज डिफरेंट, ओके। सीरीज में तो ऐसे बना लो आप एस वी डी, एस वी डी सीरीज में वोल्टेज डिफरेंस, पी सी डी पी सी डी पैरेलल में करंट डिफरेंट या डिवाइड, ओके ये याद रखना। एस वी डी पी सी डी, एस वी डी मतलब सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट या डिवाइड, पैरेलल में करंट डिफरेंट, तो सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट मतलब करंट सेम, पैरेलल में करंट डिफरेंट या करंट डिवाइडेड मतलब वोल्टेज सेम, समझेंगे समझे। अगर एक चीज डिफरेंट है या डिवाइड है तो दूसरी चीज सेम है, अगर करंट डिवाइड है करंट डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग करंट डिवाइड हो रहा है मतलब वोल्टेज सेम है पैरेलल में, ओके ये याद। तो ठीक है हमें देखो 6 ओम पर ये चाहिए था, क्या वोल्टेज चाहिए था। अब 6 ओम पे वोल्टेज चाहिए तो हमें 6 ओम यानी इस वाले वायर का करंट मालूम होना चाहिए। यहां पर तो इजी था क्योंकि मेन वायर था, मेन वायर पर करंट 3 एम्पीयर हमें मालूम था, लेकिन यहां पर वायर डिवाइड हो गया है। भाई आप क्या बोलो सर 6 ओम मुझे पता है, 6 ओम मुझे पता है, करंट करंट कहां पता है। अगर करंट यहां मालूम पड़ जाए तो वोल्टेज फौरन निकाल लेंगे वी इक्वल टू आई इनटू आर से, वी इक्वल टू आई इनटू आर से, ठीक है ठीक है ठीक ओके। अब देखो तो मैंने क्या कहा था कि पैरेलल में करंट जरूर डिवाइड होता है, करंट डिवाइड जरूर होता है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस वायर में वोल्टेज कितना है। इस वायर में वोल्टेज मतलब हमने क्या, हम क्या करेंगे इस वायर को एक करेंगे, एक करके इस वायर पे क्या निकाल लेंगे वोल्टेज निकाल लेंगे, फिर अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करने से वोल्टेज थोड़ा अलग अलग हो रहा है, वोल्टेज सेम रहने वाला है, वोल्टेज अलग अलग नहीं हो रहा है। तो हमने ये एक तो पहले कर लिया था क्योंकि पूछा गया था इक्विवेलेंट के टाइम, ठीक है ना, इसको पहले करके 2 ओम आ गया देखिए आ गया। अब ये सोचो इस 2 ओम पर, 2 ओम पर करंट कितना है, 2 ओम पे करंट कितना है बोलो। इस 2 ओम पर देखो ये वायर को हमने क्या किया एक करके, इसका हमने क्या निकाल लिया था रेजिस्टेंस निकाल लिया था पैरेलल वाले मेथड से, ठीक है ना। ये वायर एक हो गया था, जब वायर एक हो गया तो इसमें करंट कितना है बताओ, 3 एम्पीयर। ये अभी सोचो डिवाइड नहीं है, हमने वापस एक किया हुआ है, फिलहाल के लिए समझो एक किया हुआ है, बोले 3 एम्पीयर आ रहा था करंट तो 3 एम्पीयर है इसमें, ओके। आई कितना है 3 एम्पीयर है, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, ये पैरेलल वाले से निकाला था, तो वोल्टेज निकाल लेंगे इस वायर में, इस वायर में वोल्टेज निकाल लो वी इक्वल टू आई इन टू आर, आई कितना है 3, आर कितना है 2, 6 आ गया वी, यानी इस वायर में 6 आ गया। अगर इन दोनों को अगर हम एक समझें तो इस वायर पे वोल्टेज कितना 6 आ गया, फिर से अलग अलग कर दो, फिर से अलग अलग कर दो, फिर से अलग अलग करने में कोई दिक्कत नहीं, वायर को अलग अलग करने पे वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा। यहां पर अगर 6 वोल्ट है तो यहां पर भी 6 वोल्ट ही रहेगा, ये मैं आंसर लिख रहा हूं, यहां पर भी 6 वोल्ट ही रहेगा। तो कभी भी याद रखना ये प्रोसेस याद रखना, क्या अगर डिवाइड हो गया वायर करंट या वोल्टेज पूछ रहा है, चाहे वो करंट पूछ रहा हो चाहे वोल्टेज पूछ रहा हो, तो क्या करना है आपको इन दोनों को एक करना है, फिर वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल तरीके से निकाल लेना है, करंट को वही एक मान लेना जो मेन वायर पे आ रहा था, करंट मालूम रेजिस्टेंस मालूम वोल्टेज मालूम पड़ जाएगा, फिर से अलग अलग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है वोल्टेज में, वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, पैरेलल में वोल्टेज अलग अलग नहीं होता है, फिर से अलग अलग कर दिया हमने, तो यहां जितना वोल्टेज 6 वोल्ट आया था इधर भी 6 वोल्ट इधर भी 6 वोल्ट, खेल खत्म पैसा हजम। क्यों सर खेल खत्म पैसा हजम, क्योंकि यहां पर इस वायर में हमें क्या पूछा है करंट पूछा है, तुम्हें आर मालूम है तुम्हें वोल्ट मालूम है, तो करंट निकालने में तुम्हें कोई दिक्कत है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इक्वल टू यहां निकाल लो आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वी जो हमने एक करके, बस ये याद रखना कभी भी करंट डिवाइड हो रहा हो तो क्या करना, वायर को एक करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, फिर वोल्टेज निकालना है वहां से, ठीक है ना, वापस अलग अलग कर दो वोल्टेज में कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो 6 वोल्ट आ गया था हमारा, क्योंकि इस वायर में 6 मतलब इधर भी 6 इधर भी 6 वोल्टेज, और आर कितना दिया हुआ 6 ओम पे पूछा गया, हां 6 ओम पे, हां 6 ओम पे 1 आ गया, ओके ठीक है ना। तो यहां हो गया 1 एम्पियर करंट है ना, करंट 1 एम्पियर, तो करंट यहां 1 एम्पियर आ गया, टोटल था 3 एम्पियर, यहां चला गया 1 एम्पियर, तो यहां कितना हो गया 2 एम्पियर हो गया, है कि नहीं,
यहाँ हो गया 1 एम्पियर और यहाँ भाई 3 में से 1 इधर गया, 2 इधर आ गया, और सॉल्व करूँ तो भी वही आएगा। कैसे सर? आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी कितना है 6 है, आर कितना है 3 है। देखो आया कि नहीं, क्रॉस चेकिंग भी कर लो, दो आया कि नहीं आया, क्रॉस चेकिंग भी कर लो, तो 2 एम्पियर, ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यहाँ पर होती है, सबसे मेन दिक्कत यहाँ पर होती है। जब डिवाइड होता है करंट तब वहाँ पे बाई चांस वोल्टेज भी पूछ ले तो वोल्टेज भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही निकालना है कि ओवरऑल क्या करोगे, पहले एक करोगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक वायर लोगे, फिर मेन वायर में जो करंट था वो करंट को ही आगे ले जाओगे कि भाई मेन वायर हो गया है तो करंट मालूम, रेजिस्टेंस वोल्टेज मालूम पड़ जाएगा, फिर से अलग अलग, फिर वोल्टेज सेम से, वोल्टेज अलग अलग नहीं होगा। अगर ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है तो इसी का कंटिन्यू होगा, इसी मैंने लिखा है ना सीरीज में वोल्टेज, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट मतलब करंट से, पैरेलल में करंट डिफरेंट मतलब वोल्टेज से, ठीक है, पैरेलल में करंट डिफरेंट लेकिन वोल्टेज से। अब आगे बात समझ में? ओके सर। फिर क्यों टर्मिनल वोल्टेज निकालने के बाद, भाई टर्मिनल वोल्टेज अब कितने सारी बार, कितने बार हम लोग ने किया है टर्मिनल वोल्टेज वाला कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल किए हुए, टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालोगे भाई? V छोटा सा T बनाओ, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू R, इंटरनल वाला वोल्टेज को मेन वोल्टेज से माइनस कर दो। ये मेन वोल्टेज है, कितना दिया मेन 30 वोल्ट दिया हुआ है, माइनस करंट इंटू R, IR मतलब वोल्टेज ही हुआ ना, हमें इंटरनल वोल्टेज निकालना है R, इस R की वजह से जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज खाया जा रहा है, तो इंटरनल 1 है और करंट तो मेन वायर में जितना उतना ही है 3 है, तो यानी 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ठीक है, रेजिस्टेंस 1, करंट 3 है, तो 3 तो 27 आ गया टर्मिनल वोल्टेज। ओके, और क्या पूछा है? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल मतलब वही टर्मिनल वोल्टेज, अक्रॉस द सेल, सेल के जस्ट बाहर, तो सेल से बाहर है ना 27 वोल्टेज ही निकलेगा। और क्या पूछा है? वोल्टमीटर में यहां भी कितना आ रहा है? अरे भाई यहां भी कितना आ रहा है ना, यहाँ पे फोरम पूछ लिया था, निकाल तो दिया था हम लोगों ने, फोरम पे पूछा ही गया था ना पहले भी, हाँ तो बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे करंट कितना है बोलो? करंट तो मेन वायर पे जितना है, देखो जैसे मेन वायर ये भी मेन वायर है, बोलो सर यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीरीज में से करंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आई कितना था 3 था, ठीक है ना, और आर कितना दिया हुआ है 4 ओम दिया हुआ है, तो आई इज इक्वल टू, आई निकालना क्या, वी निकालना है ना, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर, यानी 3 इंटू 4 12 वोल्टेज आ गया, जो अभी हम लोगों ने निकाला था 4 ओम से, यहीं पे निकाल दिया था हम लोगों ने। आगे बात समझ में? अगर पूछे कि यहाँ बताओ वोल्टेज कितना है, सीरीज से वोल्टेज कोई फर्क पड़ेगा? अरे भाई सीरीज से वोल्टेज में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, करंट में नहीं पड़ता है, वोल्टेज फर्क पड़ने वाला, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे आर कितना दिया हुआ है 2 ओम दिया हुआ है, 2 ओम दिया ना आर, करंट कितना दिया हुआ है मेन वायर पे 3 एम्पियर, निकाल ही चुके थे हम लोग 3 एम्पियर, तो यहाँ पे क्या तुम वी नहीं निकाल पाओगे आई इंटू आर, तो यहाँ पे 6 वोल्ट आ जाएगा। तो सब कुछ जब तुम ऐसे से करके कैलकुलेट करोगे ना तो वापस 30 वोल्ट ही आ जाएगा, देख लेना, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 3 टू द 6 6 वोल्ट आया इधर, 6 6 6 6 6 18, और यहाँ पे कितना आया था, अब यहाँ पे माइनस हो रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 12 आया था, यहाँ पे कितना आएगा वो काउंट कर लेना, ठीक है ना, तो या मेन वायर से भी एक काउंट करके चलोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, टोटल 30 वोल्ट आ जाएगा मेन वायर से लेकर, ठीक है, 6 अलग अलग मत करना, इसे एक ही बार में करना है, तो 6 6 12 12 12 24 और 1 यहाँ हो गया, 3 ये हो गया 24 3 27, और 3 यहाँ पर आया था आई इंटू आर इंटरनल वाला वोल्टेज, 3 तो हुआ ना 30 वोल्ट, ये 6 और 6 अलग अलग नहीं करना है, इसे एक बार में करना है, ठीक है, एक ही बार में, आई बात समझ में? तो ये आप क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो, तो कितनी सारी चीज़ें हम लोग एक ही सर्किट में सीख लिए। अब फंसोगे कहाँ पर, सुनो फंसोगे कहाँ पर मालूम है, यहाँ पर तो आपको सीक्वेंस में पूछा गया था, तो आपको निकालते गए बड़ा आसान लगा, क्योंकि एक सीरीज एक सीक्वेंस में पूछा गया था, अरे डायरेक्टली अगर पूछ लेता कुछ नहीं देता, कुछ भी नहीं बोलते, बोलते यहाँ पर बताओ करंट निकाल, तुम्हें बोला ही नहीं गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तुम्हें बोला ही नहीं गया कि करंट पूरे सर्किट का निकालो, तुम्हें कुछ नहीं बोला गया, अभी तो बोला गया था अलग अलग, तो अरे माइंड में बत्ती जलती गई, अरे माइंड में दिमाग में बत्ती जलती गई,
इक्विवेलेंट में मिल गया, मेन वायर पे करंट मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें इस वायर पे जो वायर डिवाइड हुआ है और यहाँ पे करंट पूछा गया है, तो यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेन वोल्टेज से मेन वायर का करंट निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों को एक करके यहाँ पर, क्योंकि करंट मेन वायर पे निकल गया, मतलब मेन वायर पे करंट मालूम ही है कितना है, तो इस वायर को एक करके यहाँ पर वोल्टेज निकालना पड़ेगा। फिर वापस हमें अलग अलग करना है, जब यहाँ पे जितना वोल्टेज आ गया अलग अलग भी उतना ही रहेगा, पैरेलल से वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब अलग अलग करेंगे, फिर से अलग अलग करेंगे, तो रेजिस्टेंस हमें मालूम है, वोल्टेज हम यहाँ पता कर चुके हैं एक करके, फिर वहां पे हमें करंट निकालना पड़ेगा अलग डिवाइड होकर। आई बात समझ में। तो इसी क्वेश्चन में क्या करना, आप क्या करना, इसके ये चेंज कर देना, सबको क्या कर देना, डबल कर देना, सबको क्या डबल, 30 का 60 कर देना, 1 का 2 कर देना, 4 का 8 कर देना, 1 का 2 कर देना, 6 का 12 कर देना, 3 का 6 कर देना और 2 का 4 कर देना। फिर क्या करना, कुछ नहीं निकालना, बस सीधा यहाँ पे ऐसे करके वायर जो सर्किट डिवाइड है ना वायर, यहाँ पे एम्पियर निकालना, करंट निकालना कितना आ रहा है इस वायर में, कुछ भी ना निकालना। पहले क्वेश्चन आपके माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि हमें इस वायर में करंट निकालना, फिर आपका माइंड कहना चाहिए कि हाँ यार इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, क्योंकि हमें मेन वायर पे करंट चाहिए। मेन वायर पे करंट क्यों चाहिए, जिससे कि यहाँ पर एक कर दे, एक करने के बाद मेन वायर हो जाएगा, मेन वायर पे करंट मालूम है, मेन इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मालूम है, यहाँ वोल्टेज मालूम पड़ जाएगा, यहाँ वोल्टेज मालूम पड़ जाएगा, फिर हम अलग अलग अज्यूम कर लेंगे, अलग अलग कर देंगे तो वोल्टेज तो वही रहेगा, रेजिस्टेंस मालूम, वोल्टेज मालूम, करंट निकाल लेंगे फिर से। आई बात समझ में, ऐसा आपको करना है, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन नहीं लेने हैं, डायरेक्ट मैं क्या करूं, डायरेक्ट आपको इस वायर पे करंट निकालना है, ठीक है, सबके डायमेंशन डबल कर देना। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट में ये भी क्वेश्चन बहुत कॉमन है और एग्जाम में आता है। क्वेश्चन ये है कि आपने एक सर्किट में सीरीज वाइज बल्ब अरेंज कर दिया है और एक सर्किट में पैरेलल वाइज बल्ब अरेंज कर दिया है, ठीक है ना, और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच बल्ब ग्लोज हायर, यानी कि एक बल्ब 100 वाट का है, मतलब वाट अलग अलग है पावर, एक में ज़्यादा पावर है, कम पावर है, ऐसे अलग अलग पावर के बल्ब्स हैं। तो अगर उसे सीरीज में अरेंज किया, ये 100 वाट का है, 50 वाट का है, 25 वाट का है, तो इन तीनों में आपने इसे करंट जो दिया इसमें से, तो इन तीनों में कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, या फिर अगर इन्हीं बल्ब को 100 वाट, 50 वाट और 25 वाट बल्ब को आपने क्या किया, पैरेलल में अरेंज किया, तो पूछ लेगा कि इसमें से बताओ कि कौन सा बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, ओके। तो ये चीज हमें बतानी होती है। तो अगर आप अगर कॉमन तरीके सोचोगे माइंड में बेसिक थिंकिंग कि सर इसका वॉट ज्यादा है तो सर ये ज्यादा ग्लो करेगा, तो इसे पैरेलल में वही बात होगी कि सर इसका वॉट ज्यादा है, ज्यादा वॉट का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, तो ये जरूरी नहीं है। देखो जो बल्ब आप लेकर आए मार्केट में, तो मार्केट में तो लिखा है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 100 वाट है, ये तो ठीक है, ये लिखा है कि इसकी कैपेसिटी क्या है 100 वाट है, क्या 100 वाट पूरा सर्किट से इस्तेमाल कर पा रहा है, ये भी तो मेन है, ये भी तो मेन है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें क्या करना होता है कि जब सीरीज में हम कोई चीज़ अरेंज करते हैं और हमें पता है कि सीरीज में करंट सेम रहता है, ठीक इसी तरह अगर कोई सर्किट को पैरेलल में अरेंज करते हैं, हमें पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहने वाला है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, सीरीज में करंट सेम और पैरेलल में वोल्टेज सेम, तो हम क्या करेंगे, हम एक रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। रिलेशनशिप ये बिल्ड करेंगे कि यहाँ पर पावर के अलग अलग फॉर्मूले हैं, पावर के अलग अलग फॉर्मूले, लेकिन अगर सीरीज में हम क्या करेंगे, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे आई स्क्वायर इंटू आर, और पैरेलल में पावर का फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर बाई आर। क्यों सर ये अलग अलग फॉर्मूले क्यों लगाए, इसलिए लगाए हैं क्योंकि सीरीज में करंट सेम है, टेंशन ही नहीं है, पी और आर का डायरेक्ट मालूम पड़ जाएगा क्या रिलेशन बन रहा है, इसमें भी आई वही, इसमें भी आई वही, इसमें भी आई वही, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए ज़्यादा ईजी रहेगा लगाना। सर पैरेलल में ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया वी स्क्वायर बाई आर वाला, इसलिए क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो हमें ईजी होगा कि पावर और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन डेवलप करना, यहाँ पर वही वोल्टेज, इस बल्ब में वही वोल्टेज, इस बल्ब में भी वही वोल्टेज, तो रिलेशन जो मैं कह रहा हूँ बार बार रिलेशन डेवलप करना इजी होगा से मतलब क्या है, मतलब ये है कि आई तो तीनों में सेम है, इसका मतलब ये समझ में आया कि पी का डायरेक्ट रिलेशन हो गया आर का,
यानी जिसका आर ज्यादा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर भी ज्यादा, और जिसका पावर ज्यादा वो ग्लो भी ज्यादा करेगा। समझ में आई? इन तीनों में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पावर भी ज्यादा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, अब वो ग्लो भी ज्यादा करेगा। लेकिन इस रिलेशन में पावर का जो रिलेशन निकल रहा है वही तो सब में सेम है, इसका मतलब पावर का रिलेशन 1/r निकल रहा है, इनवर्स रिलेशन निकल रहा है। इनवर्स इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जिसका आर ज्यादा उसका पावर कम, और जिस बल्ब का रेजिस्टेंस कम उसकी पावर ज्यादा, वो ज्यादा ग्लो करेगा। कुल मिला के हमें यह समझ में आया, क्या समझ में आया, कि अगर ब्राइटर की बात करें, आर ज्यादा तो पावर भी ज्यादा तो ग्लो भी मोर। यहां यह समझ में आया, क्या समझ में आया, जिसका आर कम, कम से ले तो उसका पावर ज्यादा, इनवर्स रिलेशन है तो पावर ज्यादा, पावर से पता चले ग्लो कम है कि ज्यादा है, पावर से पता चलेगा, पावर से, ठीक है। तो पावर ज्यादा तो मतलब ग्लो भी ज्यादा होगा, मतलब यहां पे कुल मिला के रेजिस्टेंस कम तो ग्लो ज्यादा है, यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा तो ग्लो ज्यादा है, ठीक है। तो कुल मिला के सर पावर तो दिया हुआ है, तो भाई ये दिया उसके छोड़ दो, वो सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये लेबल लगा है बल्ब, हमें नया पावर निकालना पड़ेगा रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, या नया सीधा सीधा रेजिस्टेंस ही निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, रेजिस्टेंस निकाल लो तुम, बस रेजिस्टेंस मालूम पड़ रहा है ना, रेजिस्टेंस से मालूम पड़ रहा है कौन किसका पावर, कौन सा बल्ब ज्यादा पावर खींच रहा है, पावर लिखा है छोड़ दो, रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा उसका पावर, खत्म होगी बात, ठीक है। चलो रेजिस्टेंस निकालते हैं, फॉरवर्ड वाले का निकाल लेते हैं। चलो अब रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाया सर, करंट तो दिया नहीं, बात समझे, हमें कुल मिला के रेजिस्टेंस निकालना है, बस ये समझो रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस निकालना है, रेजिस्टेंस मालूम है, नहीं पता है, पावर दिया हुआ है, पावर जो बल्ब में लिखा हुआ है पावर, अभी वाला पावर आप ले सकते हो 100 वॉट, ठीक है 100 वॉट। सर वोल्टेज तो मालूम हो या करंट मालूम, कुछ तो मालूम हो, करंट तो आता पता नहीं है। तो वोल्टेज कभी भी जो बल्ब हम लोग खरीदते हैं ना उसका बाय डिफॉल्ट वोल्टेज 220 वोल्ट होता है, अगर बुक में नहीं दिया हो तो सब में क्या मानना है, 220, क्या मानोगे 220, तो वोल्टेज 220 दिया होगा, 220 दिया होगा। अब क्या करेंगे इस फॉर्मूले से, देखो रिलेशन के लिए फॉर्मूला लगा रहे हैं लेकिन एक्चुअली में रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं तो वही ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि ये नहीं लगा सकते फॉर्मूला, क्योंकि करंट हमें नहीं मालूम, करंट मालूम होता तो यही लगा लगा लेते, करंट में नहीं मालूम है तो हम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, P = V / R, हमें निकालना R, निकालना है R को ऊपर ले लो, V² / P नीचे आ जाएगा, V कितना है 220 × 220 / P कितना दिया जो बल्ब में छपा हुआ है, वही वाला फील हो गया, हमें R निकालना है ना, एक्चुअल में R कितना है इसका, बल्ब में छपा हुआ है यहाँ पर 100, ऐसे तीनों निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो एक दो तो 20 × 20 = 22 देख लेना कितना आ रहा है, एक तो ये हो गया, ओके। चलो दूसरे ये बल्ब वन का हो गया, 100 वाट वाले का, ए बल्ब का हो गया, ए बी सी दे दो, चाहिए तो ए बी सी। अब बी बल्ब का देख लो पावर कितना दिया हुआ है, बी में 50 वाट दिया हुआ है, और वोल्टेज तो 220 ही चल रहा है, नहीं भी दिया 220 ले लेना, अगर नहीं दिया तो आर निकालना है, तो आर का फॉर्मूला हम निकाल चुके ना, V² / P। सुन लो फिर रिलेशन के लिए तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, इससे पता चले क्या रिलेशन आ रहा है, क्योंकि करंट सेम था, लेकिन जब हमें एक्चुअल रेजिस्टेंस निकालना होगा, भाई हमें कौन सा ज़्यादा ग्रो कर रहा है उसके लिए रेजिस्टेंस चाहिए, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वो बल्ब पावर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो लगाएंगे वही पूरा वही वाला, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें V मालूम है और हमें P मालूम है, घूम फिर के वही लगाना पड़ेगा। तो 220 × 220, इसका पी दिया है 50, तो कितना हो गया, एक ही जीरो कट पा रहा है, 220 × 22 / 5। अभी इसका मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, इसका एक आ रहा है, क्या तीसरे का आ रहा है, देख लो किसका क्या आ रहा है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, इतना लंबी तो करेंगे नहीं हम लोग, डायरेक्ट V² / P, तो R = 220 × 220 / 25, ओके। इसका आंसर निकाल लेंगे तेजी से अभी हम लोग फटाफट, ठीक है। तो चलो मैं निकाल लेता हूँ आंसर,
तो ये तीनों का रेजिस्टेंस निकल गया, तो हमें ये पता चला कि जो आखिरी वाला बल्ब था 25 वॉट वाला, उसका रेजिस्टेंस 1936 आया। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब पावर भी 25 वॉट लिखा ज़रूर होगा, लेकिन पावर ये ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, 25 वॉट से ज़्यादा नहीं करेगा भाई, 100 वॉट लिखा, हो सकता है ये 10 ही इस्तेमाल कर रहा हो, ये 50 लिखा हुआ है, हो सकता हो ये 12 ही इस्तेमाल कर रहा हो, ये 25 लिखा हुआ है, हो सकता है पूरा 25 इस्तेमाल कर रहा हो, है कि नहीं? ये समझो कॉन्सेप्ट, समझो ज़रा, ठीक है ना? 100 जरूर लिखा है, हो सकता है 10 ही इस्तेमाल कर रहा हो, 10 ओनली इस्तेमाल कर रहा हो, ऐसा हो सकता है ना, मालूम ही पड़ जाएगा एग्जैक्टली कितना इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन छोड़ो, ठीक है? तो सर इतनी छोटी चीज़ की इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी? ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं। कैसे? देखो 220 × 220 डिवाइड बाई 100, 220 डिवाइड बाई 50, 220 × 220 डिवाइड बाई 5, 25। आप खुद ही सोचो ना, जिसमें डिवीज़न की वैल्यू सब भाई न्यूमरेटर तीनों में सेम है, न्यूमरेटर तीनों में सेम है, अब जिसके डिवीज़न की वैल्यू ज़्यादा वो आर छोटा, जिसकी डिवीजन में वैल्यू सबसे कम है डिनोमिनेटर, उसकी आर की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, यानी ये वाला आर सबसे बड़ा हो गया इसमें, है ना? तो उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये आर सबसे बड़ा है, ये आर इन दोनों कंपेयर मीडियम लेवल, ये आर लोवेस्ट है, तो जो सबसे ज़्यादा आर है वो ब्राइटेस्ट रहेगा, उससे कम ये, उससे कम ये चलेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि आर ओ पी में इससे हमने रिलेशनशिप डेवलप कर, तो ये याद रखना बस, अब ये रट्टा भी मार रहा है। कैसे? सीरीज में जिसका आर ज्यादा, सीरीज में जिसका आर ज्यादा उसका ग्लो खत्म हो गया। अब इधर आ जाओ, हमें पता है कि जिसका आर, यहाँ पे उल्टी कहानी चल रही है, जिसका आर कम उसकी वो ज्यादा ग्लो करेगा, मतलब उसका पावर, वो पावर ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है? तो सर हमें पावर तो दिया है हर बल्ब का, भाई तीनों का निकालना है तुम्हें, पावर तो दिया है वो हर बल्ब का 100, और वोल्टेज मान लो 220 सब में, लेकिन हमें आर नहीं मालूम है, तो यहां पे कौन से फॉर्मूला डालोगे? हमें यहां पे क्या निकालना है? आर निकालना है, तो यही वाले फॉर्मूले से, करंट तो हमें नहीं मालूम है ना, इसी फॉर्मूले से निकाल लो, पीवी आर वाले ही फॉर्मूले से निकलेगा, और कैसे निकलेगा, ठीक है ना? तो चलो यहां पे लिख लो आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी, तो वी स्क्वायर बाई पी, तो 220 × 220 पहले वाले 100 वाट का ले रहे हैं लोग तीन पार्ट में, डिवाइड बाई 100, एक आर ये हो गया, दूसरा वाला आर, आर 100 वाला, 100 वाट वाला, आर 50 वाट वाला बल्ब का, 220 × 220 डिवाइड बाई 50, और आर 25 वाले वाट के बल्ब का, 220 × 220 डिवाइड बाई 50। तो यही वाला फॉर्मूला इससे इस्तेमाल कर रहे हैं, करंट तो नहीं दिया है ना, ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना? अब देखो जिसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा, मतलब वो आर सबसे छोटा हो गया, ये आर सबसे छोटा हो गया, ठीक है ना? तो ये वाला आर, इसका आर जो है स्मॉलेस्ट है, और इसका आर बिगेस्ट हो गया, 25, ठीक है? इसका डिनोमिनेटर सबसे कम, तो उसको डिवाइड करने वैल्यू सबसे बड़ी आएगी ना, तो ये आर बिगेस्ट हो गया ना, ये आर लार्जर हो गया, लार्जेस्ट हो गया 25 वाला। तो अब हमने क्या कहा? हमने ये कहा था जिसका आर बड़ा उसका पी छोटा, तो ये पी, अगर आर सबसे बड़ा है तो इसका पी सबसे छोटा हो गया, तो 25 वॉट का ग्लो सबसे कम करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब इन्वर्स रिलेशन मारना पड़ेगा हमें पी और आर, ठीक है ना? मतलब आर की कहानी तो वही आ रही है जैसे इसमें आ रही थी, इसमें वही आ रही, लेकिन रिलेशनशिप उल्टा कर देना पड़ेगा भाई। देखो ना, यही सेम कैलकुलेशन है कि नहीं, यही सेम आएगी भाई, इसमें आर सबसे छोटा आएगा, है ना? देखो आर 100, आर 50, आर 25 वाला में सबसे 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 बड़ा जो आर है वो यही आएगा 25, इसमें डिनोमिनेटर में सबसे कम डिविजन वैल्यू है, तो ये सबसे बड़ा, इससे कम ये, सबसे छोटा ये, लेकिन पावर से रिलेशन करेंगे, इनवर्स है, तो पावर 100 वाला, देखो ये वाला सबसे स्मॉल आर आ रहा है ना, तो लेकिन ये वाला सबसे ब्राइटेस्ट, फिर पी 50 सबसे कम, सबसे छोटा वाला, मतलब कुल मिला के इसमें, इन क्वेश्चन में पैरेलल वाले में एक्चुअली में जिसकी वैल्यू सबसे कम दी गई, एक्चुअली में जिसकी वैल्यू सबसे कम दी गई है वो ग्लो भी कम है, तो पैरेलल में तुम ऐसा याद कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो? पैरेलल में पावर जो बाय डिफॉल्ट जो प्रिंटेड पावर कम दिया है, मतलब कम ग्लो कम चलेगा,
ठीक है, ब्राइटनेस में कम रहे, लेकिन सीरीज में अपोजिट, अपोजिट अपोजिट, ठीक है। अगर ये मान के चलें कि करंट करंट सेम है, ये मान के चलना है कि दोनों सर्किट सेम है, सिर्फ हमने अलग अलग क्या किया है, मतलब आई आई बाकी चीजें सेम है, इधर भी आई वही था, ये भी यहां पर भी आई वही था, बस हमने सिर्फ अरेंजमेंट अलग अलग किया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक कुछ चीजें रटने के हिसाब से भी कर लेना जल्दबाज, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस भी आते हैं, तो सीरीज में उल्टी कहानी चलेगी, जिसका वोल्टेज कम रहेगा वो ब्राइटेज रहेगा, पैरेलल में जिसका वोल्टेज भी कम का सॉरी सीरीज में जिसका पावर कम रहेगा वो ब्राइटेज ज्यादा रहेगा, ठीक है। अब पैरेलल में पावर कम तो ब्राइटनेस भी कम रहने वाली है, ओके। सो क्वेश्चन दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इसमें लिखा हुआ है, इसमें डिजाइन सर्किट नहीं दी गई है, ठीक है ना, सर्किट तुम्हें नहीं दी गई, ऊपर की सर्किट छोड़ दो, नया क्वेश्चन। बैटरी ऑफ एम एफ 15 वोल्ट, एम एफ तो 15 वोल्ट दिया हुआ है, तो समझ लो सर्किट ज्यादा बना सकते हो, ये 15 वोल्ट दिया हुआ है, एम एफ का मतलब क्या होता है, प्रिंटेड वाला वोल्टेज, जो प्रिंट में दिखा रहा 15 है, लेकिन जब तुम अगर इंटरनल उस पर रेजिस्टेंस है और जब तुम उसको मेजर करने जाओगे वोल्ट मीटर से तो कुछ कम दिखाएगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस अवेलेबल है तो, ठीक है। तो कह रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम्स है, इंटरनल दिखा दे छोटा सा यहाँ पे 3 ओम्स है, ये 3 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, कह रहा है ये जो कनेक्ट है वो दो रजिस्टर और सर्किट में लगे हैं, टू रजिस्टर 3 ओम एंड 6 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट नॉट इंटरनल इन सर्किट, ठीक है। फिर सर्किट में आगे चल के दो और पैरेलल है कह रहा है, उसी से ये इंटरनल वाला कनेक्ट है, बस इतनी सी बात थी। तो ये जो था 3 और 6, 3 और 6, ओके ओके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी थी, अब पूछा गया था करंट बताओ, तो आप बोलो सर करंट बताने के लिए, मतलब मेन जो वायर में हमें करंट बता रहा है, देखो करंट थ्रू द बैटरी, थ्रू द बैटरी का मतलब मेन वायर में तुम्हें करंट बता रहा है, मेन वायर में तुम्हें करंट बता रहा है, तो उसके लिए पूरी उस बैटरी का तुम्हें क्या मालूम होना चाहिए, वोल्टेज मालूम होना चाहिए, तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 15 आप बोलोगे, नहीं ये नहीं लेना है, ऐसे नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, या तो तुम टर्मिनल वोल्टेज निकालो, या तो फिर सीधा सीधा आई का मालूम कौन सा फॉर्मूला डालो, आई इक्वल टू वी अपॉन आर प्लस आर, या तो ऐसे डाल दो, या तो टर्मिनल वोल्टेज निकालो और टर्मिनल वोल्टेज से करंट निकाल लो, या तो फिर ये भी फॉर्मूला डाल सकते हो क्या, वी अपॉन यानी ये भी आर और इस जो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला भी आर हम ले सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तब आपका एग्जैक्टली करंट आ जाएगा, ठीक है ना। जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस दियो तो आई कैसे निकालेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस मतलब रेजिस्टेंस सिर्फ सिर्फ है ना, बाहर बाहर का नहीं लेना है तुम्हें, तो अंदर का भी लेना पड़ेगा, ओके। और दूसरा तरीका है ये वाला है कि वो टर्मिनल वोल्टेज निकाल लो, उसके बाद 15 वोल्ट आई में और आई टू आर कर दो, लेकिन इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, वो घूम फिर के यहीं पर आ जाएगा। तो चलो वोल्टेज कितना दिया, 15 दिया हुआ है, अगर ये वाले फॉर्मूले से कर रहे हो ये वाले तो 15 ले लो, और ये जो आर है, आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 1/3 + 1/6, इसको सॉल्व करके निकालोगे तो ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ओके कर लो सर 2 आ जाएगा, और इंटरनल छोटा आर कितना दिया, 3 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 3 एम्पियर आ गया करंट, करंट कितना आ गया 3 एम्पियर, ओके। तो याद रखना कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो जस्ट वी बाई आर हम लोग नहीं कर सकते, वी बाई आर प्लस आर हमें करना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। और अगर इसी में अगर पूछ ले कि टर्मिनल वोल्टेज बताओ, इसमें क्या पूछ ले, टर्मिनल वोल्टेज बताओ, तो इसमें टर्मिनल वोल्टेज कहते, ये तो फिलहाल हमने 15 ले लिया एक्सटर्नल वाला वोल्टेज, क्यों, क्योंकि हमने नीचे है ना इंटरनल रेजिस्टेंस से भी डिवाइड किया हुआ, ठीक है। अगर अगर बोलेगा टर्मिनल वोल्टेज बताओ तो कैसे बताएंगे, तो टर्मिनल वोल्टेज फॉर्मूला क्या है, VT इज इक्वल टू EMF माइनस I इंटू आ, तो ये हो जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, देखो पूछ भी रहा है टर्मिनल वोल्टेज बताओ, क्वेश्चन पूछा गया, तो टर्मिनल वोल्टेज फॉर्मूला क्या डाल, फॉर्मूला को पक्के रखना, टर्मिनल वोल्टेज मालूम होना चाहिए, करंट थ्रू बैटरी मालूम होना चाहिए, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है तो वी में मेन कर मेन वोल्टेज ही लेंगे,
ईएमएफ वाला ही रहेंगे भी, क्यों? क्योंकि नीचे इंटरनल रेजिस्टेंस में डाल रहे हैं। ओके, सो ईएमएफ कितना 15 दिया हुआ है, माइनस कर देंगे। अब देखो टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि ये जो 15 वोल्ट है एक्चुअली 15 वोल्ट नहीं आ रहा होगा, क्यों? क्योंकि कुछ वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस खाया जा रहा है, कुछ वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस खाया जा रहा है। कितना खाया जा रहा है, 15 में से कितना वोल्टेज खाया जा रहा है, वही तो फॉर्मूला लिखा मैंने आई इंटू आर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज। अगर मैं इंटरनल बैटरी अंदर का जो वोल्टेज खा रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस वोल्टेज खा रहा है, तो वाला निकाल लेंगे आई इंटू आर से। तो आई कितना आ गया, 3, और आर कौन वाला रेजिस्टेंस वोल्टेज खा रहा है, इंटरनल वाला रेजिस्टेंस 3 वोल्ट खा रहा है, निकाल लेंगे 3 आई इंटू आर, आई वाला 3 हमने निकाल लिया। पर सर्किट में करंट कितना है, मतलब बैटरी में करंट कितना है, 3 एम्पीयर है, और इस बैटरी में कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो कुछ वोल्टेज खाया जा रहा है। कितना खाया जा रहा है, 3 × 3 आई टू आर। तो वोल्टेज की जगह हमने आई टू आर फॉर्मूला डाल दिया, तो 15 − 9 = 6 आ जाएगा टर्मिनल वोल्टेज, 6 वोल्ट आएगा। ठीक है, यानी जब आप मेजर करोगे 6 वोल्ट इतना खाया जा रहा है, इंटरनल इतना खाया जा रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। ठीक है, अब इसमें देखो अलग तरीके से किया है, इसमें इन्होंने क्या किया है, करंट निकाला आई और आर ओवर ऑल पूरे सर्किट का आर ले लिया है। देखो इसमें कैसे निकालना है, देखो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं ना, हमें टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, हमें सर्किट का करंट मालूम, हाँ मालूम है 3 एम्पीयर सर निकालना है, और आर सर हमें आर नहीं मालूम, तो आर कौन सा ले लेंगे, इक्विवेलेंट आर ले लेंगे, पूरा पूरा इक्विवेलेंट आर पूरे सर्किट का, तो उस हिसाब से 6 वोल्ट भी आ जाएगा। लेकिन बेहतर यह है कि आप ऐसे जो मैंने बताया ये बहुत सही है, क्या ईएमएफ माइनस आई इंटू आर, आई मतलब 3 वोल्ट करंट जो पूरे सर्किट में, आर इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो वोल्टेज बैटरी खा रही थी वो इतना था, 9 था, 15 − 9 = 6 आ गया। सबसे आसान तरीका ये, ओके ये याद रखना। अब हो सकता है इसी में कभी टर्मिनल वोल्टेज दे दे, हो सकता है दे दे, बोले ये मैं बताओ, तो ये माइनस आई आर इधर आके प्लस आई आर हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया होगा, ईएमएफ नहीं दिया होगा, आपकी बात टर्मिनल वोल्टेज दिया होगा, तो लाके प्लस करा दो, ईएमएफ आ जाएगा आई इंटू आर को। तो ये आर याद, आर कौन सा है, इंटरनल रेजिस्टेंस वाला आर, और ये आई याद, आई कौन सा है, मेन सर्किट का आई, मेन मेन वायर का आई, मेन वायर का करंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछी है कि 6 ओम से बताओ कितना करंट आ रहा है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो ये मैंने सर्किट डिजाइन के लिए दिखाई दिया, करंट यहाँ से आया कितना आ रहा था, 3 एम्पियर आ रहा था करंट वायर में, चलो हम खुश थे हमें 3 एम्पियर मिल रहा था, हमें क्या मिल रहा था, 3 एम्पियर करंट मिल रहा था, हम खुश थे यहाँ पर, हमें मेन वायर पर 3 एम्पियर मिल रहा था, इधर आया इधर आया इधर आया, यहाँ पर वायर बढ़ गए पैरेलल, पैरेलल वायर बढ़ गया, करंट भी बढ़ जाएगा, याद रखना सीरीज में करंट नहीं बटेगा, सीरीज में कितने भी रेजिस्टेंस लगा दो, एक रेजिस्टेंस फिर आगे दो रेजिस्टेंस फिर आगे दो रेजिस्टेंस फिर आगे रेजिस्टेंस, सीरीज में करंट नहीं डिवाइड होगा, लेकिन जैसे वायर यहां पे डिवाइड हुआ करंट भी आपस में डिवाइड हो गया, करंट भी डिवाइड हो गया। अब क्या कह रहा है, 3 वोल्ट तुमने यहां निकाला, ठीक है 3 वोल्ट तुमने यहां निकाला, ठीक ठीक है, बताओ बताओ कि यहां पे करंट कितना पहुंचा ये वाले वायर में। वो क्या हम सर्किट थोड़ी सी बड़ी कर दें, कुछ इंटरनल रजिस्टर है, इंटरनल यहां दिखा दिया मैंने, ठीक है, ये ओके, ये 15 वोल्ट तो था तुम्हारा वोल्टेज ईएमएफ वाला मैक्सिमम वाला, मतलब प्रिंट वाला नॉट टर्मिनल वाला, यहां 3 वोल्ट अलग इंटरनल दिया था और 3 और 6 यहां पे अलग दिया हुआ था, है ना, ओके। क्या कह रहा है कि जो 3 एम्पियर आया है इस मेन वायर में, यहां आके बढ़ गया होगा, कुछ करंट यहां गया कुछ यहां करंट गया, ये कहानी थी इसकी। तो बताओ कि यहां पर कितना करंट गया, ये पूछा जा रहा है, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस में। अगर हम करंट का फॉर्मूला निकालें, क्या निकालेंगे, आई इक्वल वी बाई आर, बोल लो मेरे को आंसर पता है, वी बाई आर सीधा सीधा है सर, वी हम डालेंगे 15/r कर दोगे आप, आर कितना सर, 6 ओम से पूछा गया तो 6 वाला आर डाल देंगे, तो गलत हो जाएगा। अगर आप ऐसा कर देते हो कि आप सोचो कि वोल्टेज हमें पता है 15, या तुम्हें ईएमएफ पता है जो भी, और आर वो मार दोगे तो वो वाला गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा,
हमें हमें पता है कि वोल्टेज जो होता है, अभी जो आपको यहाँ पे वोल्टेज कितना आ रहा है, टर्मिनल वोल्टेज कितना आ रहा था, या तो आप टर्मिनल वोल्टेज ले लो, टर्मिनल वोल्टेज हमें कितना कितना मिल गया था, 6 मिल गया था, टर्मिनल वोल्टेज 6 मिल गया था ना, एम एफ माइनस आई आर टर्मिनल वोल्टेज। हाँ, तो टर्मिनल वोल्टेज सर्किट में कितना आ रहा है, या इस वायर में टर्मिनल वोल्टेज कितना आ रहा है, बताओ। वोल्टेज क्या 15 आ रहा है? 15 नहीं आ रहा इस वायर में, इस वायर में वोल्टेज कम आ रहा है। कितना आ रहा है बताओ? 6 वोल्ट, टर्मिनल वोल्टेज ना, 6 वोल्ट ही तो आया था अभी, अभी तो किया, 6 वोल्ट आ रहा था अभी, है ना? 15 तो लिखा हुआ है ना, लेकिन बाहर निकल रहा है 6 वोल्ट ही, बाहर निकल रहा है 6 वोल्ट ही, ठीक है? 6 वोल्ट आया, 6 वोल्ट आया, 6 वोल्ट आया, 6 वोल्ट आया, पैरेलल आ गया, पैरेलल में वोल्टेज बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, 6 वोल्ट ही रहेगा, यहां पर भी 6 वोल्ट और यहां पर भी 6 वोल्ट, क्योंकि बीच में कहीं रेजिस्टेंस मिला क्या? नहीं मिला। अगर बीच में कहीं रेजिस्टेंस और मिल जाए, वोल्टेज तुम्हारा बदल जाता, कम वोल्टेज हो जाता, सीरीज में वोल्टेज बदलेगा। लिख लो, वोल्टेज डिवाइड या वोल्टेज चेंज सीरीज में, ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें, वोल्टेज चेंज इन सीरीज एंड करंट चेंज, करंट डिवाइड या करंट चेंज इन पैरेलल, ये लिखना पड़ेगा अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है? अब देखो भाई, तभी तो पूछ रहा है कि 6 ओम्स वाले में, 6 ओम्स वाले में करंट बताओ। आप बोलो 3 निकाल लिया, नहीं, क्यों? डिवाइड हो गया, करंट बदल जाएगा यहां पर, करंट बदल जाएगा। ओके, अब आ जाओ फिर से, तो आप बोलो सर 15 15 वोल्ट नहीं, इस वायर में कितना करंट है, इस वायर में कितना, 6 वोल्ट है टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टर कुछ खा रहा था, 6 वोल्ट आया, 6 वोल्ट आया, कहीं पर कुछ रेजिस्टर मिला कि नहीं मिला, कुछ वोल्टेज कम हुआ, नहीं हुआ सर कम, यहाँ आ गया सर पैरेलल आ गया, वोल्टेज कम हो जाएगा, नहीं कम हुआ, नहीं कम हुआ, क्यों? पैरेलल में वायर डिवाइड होने से वोल्टेज कम नहीं होता, ठीक है? समझ गए, ठीक है? तो वी, तो यहां पर 6 वोल्ट है, यहां भी 6, यहां भी 6, यहां वायर में भी 6, इस वायर में भी 6, पूरा एक डायग्राम पकड़ के, ऐसे पकड़ के लाओ ना भाई, करंट यहां से निकला बैटरी से, कितना निकला? 15 नहीं, 15 नहीं, 6 निकला, इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ खाया है, 6 निकला, 6 निकला, बीच में रेजिस्टेंस मिल रहा, नहीं मिल रहा है, चलो आगे आओ, फिर आगे आओ, आगे आओ सर, पैरेलल आ गया, वोल्टेज कम कुछ होगा? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, वोल्टेज में पैरेलल वोल्टेज कुछ नहीं होगा, इधर भी 6 जाएगा, इधर भी 6 जाएगा, तो ठीक है, हमें यहां पता करना था, मालूम पड़ गया क्या? आर कितना दिया? 6 दिया हुआ है, वोल्टेज कितना दिया? 6 दिया हुआ है, निकाल लो ना, V 6 दिया हुआ है ना, 6 6 6 आया, R कौन सा रेजिस्टर पूछा था? 6 ओम वाले रेजिस्टर में ही पूछा था ना, 3 ओम वाले, 6 दोनों पूछा है, चलो 6 ओम, 6 वाले निकाल लो, तो 6 और R 6, 1 एम्पियर यहाँ आ गया। अब पूछा इसमें बताओ कितना करंट है, क्या दिक्कत है? I = V/R, V कितना? 6 6 6 6 ही 6 रहेगा, पहले में करंट वोल्टेज में कोई फर्क नहीं, तो 6 ही रहेगा, तो V 6, R कितना लिया, किस पर पूछा गया है? 3 ओम वाले पूछा गया, 3 डाल दो, ये देखो 2 एम्पियर, कितना आसान हो गया, 3 एम्पियर जो तुम्हारा करंट आया था यहां पर गया 1 एम्पियर, यहां पे गया 2 एम्पियर, 3 हो गया, वापस मिलके वापस 3 एम्पियर हो जाएगा। कभी यहां पूछ ले कहीं पर कि बताओ यहां पे एम्पियर कितना है, यहां पर कहीं कितना है, 3 आया, यहां करंट बटा, ठीक है कोई बात नहीं, बटा रहे तो बटा रहे, वापस 1 हो गया ना, हाँ 3 रहेगा, वापस 1 बार हुआ ना, वापस 3 रहेगा। माने कि यहां पर कोई रेजिस्टेंस होता भी तो भी करंट में कोई फर्क नहीं, क्योंकि सीरीज वाले में रेजिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट वैसे ही रहे। हाँ, यहां दो वायर जब बटेंगे तब करंट पक्का बदलने वाला है, यहां वोल्टेज बदल जाएगा, हाँ यहाँ वोल्टेज, तो अगर यहां पर कहीं पर रेजिस्टेंस होता है इसके रास्ते में, बैटरी 6 वोल्ट निकला कहीं होता, तो फिर वोल्टेज 6 नहीं लेते, फिर वोल्टेज को नया वोल्टेज निकालते, और फिर नया वोल्टेज निकालते, कैसे नया वोल्टेज निकालते? पूरे सर्किट का करंट, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, ये कौन नया रेजिस्टेंस आ जाता ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, फिर नया वोल्टेज निकालते, यहाँ पे वोल्टेज नया कितना है, ठीक है? आई बात समझ में?